नमस्कार दोस्तों, 19 मई 2023 शुक्रवार को भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 रुपए के नोटों को सर्कुलेशन से बाहर करने का ऐलान किया है। शुक्रवार को जारी अपने बयान में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि ये नोट वैध रहेंगे और 30 सितंबर 2023 तक इन्हें बैंकों में जमा कराया जा सकता है। बयान में कहा गया है कि लोग 2000 के नोट अपने बैंक खाते में जमा कर सकते हैं या किसी भी बैंक के शाखा में जाकर नोट बदल सकते हैं। हालांकि अपने बैंक खाते में जमा करने की कोई सीमा नहीं तय की गई है और इस पर मौजूदा कानून ही लागू होंगे। किसी भी बैंक शाखा में एक बार में केवल 20,000 रुपए ही बदले जा सकते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को समय सीमा में और जनता को पर्याप्त समय देते हुए पूरा करने के लिए सभी बैंकों में 30 सितंबर 2023 तक जमा करने की सुविधा होगी। आरबीआई ने यह भी कहा है कि आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 24(1) के तहत पहली बार 2000 के नोट नवंबर 2016 में जारी किए गए थे। आरबीआई के अनुसार 2000 के 89% नोट मार्च 2017 से पहले जारी किए गए थे। इन नोटों का सर्वाधिक सर्कुलेशन 31 मार्च 2018 को 6.73 लाख करोड़ था। नवंबर 2016 में एक रात अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 रुपए के नोट को बंद करने की घोषणा कर दी। फिर सरकार गुलाबी रंग का 2000 रुपए का नया बड़ा नोट लेकर आई थी। 8 नवंबर की उस रात प्रधानमंत्री मोदी ने नोटबंदी की घोषणा करते हुए कहा था कि रात 12 बजे के बाद से 500 और 1000 रुपए के नोटों का चलन बंद हो जाएंगे और इसके जगह भारतीय रिजर्व बैंक ने 500 और 2000 रुपए के नए नोट जारी किए थे। लेकिन मुद्दा ये भी है कि क्या 2000 के नोट के बदले 1000 रुपए का नया नोट जारी होगा, तो इस पर आरबीआई ने कहा कि भविष्य में इसकी संभावना हो सकती है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही अमेजिंग जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब कर लें।